कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून के गांधी पार्क से परेड ग्राउंड तक भव्य तिरंगा यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। तिरंगा यात्रा में खेल और युवा कल्याण विभाग के अधिकारी, पीआरडी स्वयंसेवक और स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। रेखा आर्य ने सभी से अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए एक मजबूत भारत बनाने की भी अपील की। देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हमारा तिरंगा झंडा हमारी आज़ादी का प्रतीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश का अमृतकाल प्रारंभ हो रहा था, यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतकाल को किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के आह्वान में हर घर तिरंगा, यानी कि अपनी आज़ादी के प्रतीक को अपने घरों के उच्च स्थान पर स्थापित करने की जो एक आह्वान किया था, उसी में यह तिरंगा यात्रा तब से प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से ये तिरंगा यात्रा देहरादून से लेकर पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में 15 तारीख तक इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश का प्रत्येक नागरिक जो है वह तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देश की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे, इसको लेकर जो है ये सारी तिरंगा यात्रा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 78वें स्वतंत्रता दिवस की, जो आने वाले 15 तारीख को हम सब लोग पदार्पण करने वाले हैं, समस्त प्रदेशवासियों को भी और समस्त देशवासियों को।